सो हेलो एंड वेलकम एवरी वॉन्ट टू इजी एंड फोन लर्निंग और ये है लास्ट पार्ट जूलियस सीजर ड्रामा का तो हमने देखा था कि सीज़र अपने विल में हर एक रोम सिटीजन को सेवेंटी फाइव सिल्वर कॉइन्स देता है और वो अपनी आ, सारे शेडी सिटिंग प्लेस मतलब आबर्स और अपने प्लान और ट्रीज यानी ऑर्चर्ड्स और ऑन दिस साइड टिबर ही हैथ लेफ्ट एम यू टिबर एक रिवर का नाम है जो रोम में फ्लो करती है और वो ये सब दे देता है और वो क्यों देता है वो बोलता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कमिंग जनरेशन्स में पास ऑन होती रहे इनहेरिट होती रहे और वो कहता है कि तुम सब सीज़र के पाथ पर चलो रिक्रिएट योर सेल्फ़ फिर वो कहता है एंटनी कि ये था सीज़र और ऐसा दूसरा सीज़र कब आएगा तो फर्स्ट सिटीजन कहता है नेवर नेवर कम अवे कम अवे कहते हैं कि अभी ऐसा कोई सीज़र हो ही नहीं सकता वो कहता है कि हम सीज़र की बॉडी होली प्लेस में बर्न करेंगे और सब साथ में जाकर ट्रेटर्स के हाउस को बर्न करेंगे सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनके हाउसेस को जला देंगे फिर सब कहते हैं कि टेक अप द बॉडी फिर प्रिपरेशंस होने लगती हैं वॉर की जिस तक कि कॉन्स्पिरीटर्स को सब मार सकें फिर एंटनी कहता है कि नाउ लेट इट वर्क वो कहता है कि अब तुम सब कुछ जो करना है तुम सब कर सकते हो मिस्ीफ दाई आउट अ अफूट मतलब स्टार्टेड वो कहता है मिस्टीफ यानी हार्म करना यहाँ पे मिस्चीफ का मतलब है हार्म करना तो वो कहता है कि तुम उन्हें अब कितना भी हार्म पहुँचा सकते हो और तुम ये कार्य चालू कर सकते हो वो कहता है कि टेक दा वॉट कोर्स दाउ वेल्ट वेल्थ मतलब लूज स्ट्रेंथ तो कहते हैं कि अब तुम्हें उनका सारा स्ट्रेंथ लूज करना है तो तुम्हें सब तुम सब अब बदला लेने के लिए तैयार हो तो इसके बाद क्या होता है कि एंटनी ने एक तरह से बहुत ही चालाकी से आ, सच की जीत का हमें एग्जाम्पल दिया और उसने पूरे मॉब को रिवेंज में घसीटा मॉब मतलब पूरा क्राउड Antony instigates the mob to revenge. Instigates मतलब set on the mob to revenge. और फिर वो बैठता है Octavius Caesar. Octavius Caesar Julius Caesar का nephew रहता है और वो उसके साथ मिलकर सारे future threats मतलब सारे future problems को और ऐसे Brutus और Cassius जैसे लोगों को हटाने के लिए पूरा तैयार रहता है अब ब्रूटस और कैसियस अब अलग अलग हो चुके हैं पहले तो वो साथ में कर रहे थे सारा काम पर अब वो भी अलग हो चुके हैं दे फॉल अ पार्ट और वो क्यों अलग हुए थे क्योंकि ब्रूटस के अंदर का जो आइडियलिस्ट था वो कैसियस की प्रैक्ट प्रैक्टिकलिटी को अब नहीं झेल पा रहा था द आर्मीज ऑफ ऑक्टेवियस सीजर एंड एंटनी क्लैश तो जो ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी की आर्मी थी वो लोग लड़े ब्रूटस और कैसियस के साथ उन दोनों की आर्मी के साथ और कहाँ पे? एट फिलिपी एंड सार्दिस इन दोनों जगह पे उन सब की आर्मी साथ में लड़ी और एंड में क्या होता है ब्रूटस और कैसियस को डिफीट हो जाते हैं और वो एंड में सुसाइड कमिट कर लेते हैं और इस तरह हमेशा की तरह ट्रुथ और सच्चाई की जीत होती है सो दिस वॉज अ चूलियस सीजर ड्रामा एंड थैंक यू फॉर ऑल यूर लव एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक डिट थैंक यू